ठीक है ना। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत करता हूँ और एक न्यू वीडियो में। ठीक है, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जो मल्टीफंक्शनल मीटर होता है उसका कनेक्शन कैसे होता है। ठीक है, पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे उसका सीटी का पीटी का कनेक्शन कैसे होता है। इससे पहले मैं बहुत मॉडल का उसका पैरामीटर्स के ऊपर सीटी रेशियो कैसे डालते हैं वीडियो बना चुका हूँ। स्नाइडर इलेक्ट्रिक का मॉडल था, ठीक है, डिफरेंट मॉडल के बना चुका हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का लिंक, तो फिर देखते हैं प्रैक्टिकल में देखेंगे कैसे उसका कनेक्शन होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है हमारा मल्टीफंक्शन मीटर है, यहाँ पे सब मल्टीफंक्शन के कनेक्शन आप लोग देख सकते हैं। ठीक, अभी देखिए यहाँ पे पहले तो इसका क्या क्या है, इसका स्पेसिफिकेशन टेक्निकल टर्मिनल क्या क्या दिया हुआ है ये हम लोग पहले देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वी वन वी टू वी थ्री एंड वी एन, मीन्स वोल्टेज वन वोल्टेज टू वोल्टेज थ्री एंड वोल्टेज इन न्यूट्रल है। आर वाई बी, जैसे कि हम लोग जैसे कि ये आर वाई बी जो क्या बोले उससे डायरेक्ट आ रहा है वोल्टेज। ठीक है, अगर आप लोग का एस टी होगा तो ये आपको पी टी लगा के लाना पड़ेगा। ठीक, अभी जैसे मैं मान लीजिए उस एस टी नहीं है 415 वोल्टेज है, तो फिर जो फोर वायर रहते हैं थ्री वायर जो रहता है आर वाई बी और एक न्यूट्रल का, तो डायरेक्ट आप लोग वहाँ से उठा के मीटर में दे सकते हैं। और यहाँ पे जो है ऑक्सिलरी सप्लाई, क्योंकि मीटर के भी चलने के लिए खुद को कुछ सप्लाई चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं 442 300 वोल्टेज, इसको ऑपरेट करने के लिए इतना वोल्टेज इसको देना पड़ेगा, ये ऑक्सिलरी सप्लाई बोलते हैं। ओके, अभी आप लोग इस साइड में जो है एस वन एस टू एस वन एस टू एस वन एस टू ए टू ए थ्री, ये तीन सीटी है। जैसे जो हमारा जो तीन लाइन है, तीन लाइन में जो सीटी लगा हुआ है, ये सीटी का केबल है। आर का है ये वाई का है, ये बी का है। ठीक है, आर वाई बी का ये सीटी है। ओके, अभी एक हम लोग ऐसे कैसे करेंगे, जो एस वन है एस वन का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक नंबर टर्मिनल है, यहाँ पे आर को हम लोग घुसाते हैं। फिर ये आर हो गया, फिर सेम ऐसा ए टू का, फिर ऐसे एस वन का या जो टर्मिनल इसमें लगाते हैं, फिर वाई का भी ऐसे सेम ऐसे लगाते हैं। ठीक है, अभी जो और है कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये लूप किया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, ये जो है इसको जो एक तो टर्मिनल तो यहाँ पे आ जाएगा एस वन का, एक घुस गया, और एक जो टर्मिनल रहता है ये यहाँ पे जाएगा हमारा, यहाँ से हम लोग और एक जो टर्मिनल है उसको लूप कर दिया, यहाँ से हम लोग और एक जो टर्मिनल उसको लूप कर दिया। और एक केबल देख आप लोग देख सकते हैं ये वाला, डायरेक्ट हम लोग लेके इसको ग्राउंडिंग करते हैं, क्योंकि शॉर्टिंग करके ग्राउंडिंग करना पड़ता है सेकेंडरी साइड पे। ठीक है, सीटी को, और ये आप लोग देख सकते हैं ये आर एस 485 ए कम्युनिकेशन कार्ड के लिए लगा हुआ है। जैसे कि पी एल सी डी एस सी डी सी एस में कितना इस मीटर में इसने इस पैनल का कितना कंजम्पशन हुआ है, क्या हुआ है, वो सब देखने के लिए ये कम्युनिकेशन एक केबल रहता है पी एल सी के लिए। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये 7D1DO प्लस माइनस का है। ठीक है, यहाँ से आउटपुट इसमें जा रहा है पीएलसी में। और ये जो सीटी है, सीटी का कनेक्शन आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ऐसे डायरेक्ट ला के जो सीटी का दो जो टर्मिनल रहता है ना, जो एक टर्मिनल ऐसे यहाँ पे लगा सकते हैं और एक जो टर्मिनल आता है डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। हम लोग ऐसे नहीं करके एक एक केबल यहाँ पे लगा दिए और एक एक को कॉमन करके शॉर्ट करके एक लगे ग्राउंडिंग कर दिए। ठीक है, मैं और एक मीटर का आप लोगों को दिखाऊंगा, उसमें एक दो दो केबल आया, इसमें तो हम लोग शॉर्ट करके लगाए। चलिए और एक मीटर में हम लोग देखते हैं। ठीक, ये वाला मीटर में देख सकते हैं ये आर एक सीटी का आया है, आर देखिए दो आर है। ठीक है, ये वाई वाला फेस का ऐसे वाई वाला लाइन का सीटी है, ये बी वाला लाइन का सीटी है। देखिए यहाँ पे दो दो केबल आया है, एक दो तीन चार पाँच छः, टोटल सिक्स के बुलाया है। उससे हम लोग क्या किए थे, ऐसे उसको एक एक बुलाया, इसको कॉमन करके शॉर्ट करके एक लाइक जाके ग्राउंडिंग कर दिया हम लोग। ऐसे भी कनेक्शन कर सकते हैं, उसे भी कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया कैसे क्या कनेक्शन होता है मल्टीफंक्शन मीटर का।